हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पोपट न जान का दूसरा और अंतिम भाग। महल में थर 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 पूरे बदन में कपकपी छूट रही है। कुछ करो राजवैद्य। बस इस घोड़े की लीद से बने चूर्ण का सेवन कर लीजिए महाराज, तुरंत आराम आ जा आएगा। मैं तो तंग आ गई इनकी रोज रोज की बीमारी से। हर रात कोई ना कोई कांड करते रहते हैं। इस बार कौन सा कांड कर दिया महाराज ने? किसने खड़ी कर दी इनकी खाट? मारे खाट कौन खड़ी कर सकता है? हम महावीर हैं। वो तो तुम ना बस रहने ही दो जी, मैं बताती हूँ। ये रात्रि को भेष बदल कर प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकले थे, पर अंधेरे में उस गड्ढे में गिर गए जहाँ सभी भैंसों का गोबर रखा जाता है और उसकी गंध से। बस बस मैं समझ गया महारानी, यानी मोटे पर असर तो हो रहा है। बस अब दो ही रह गए जिनमें से एक को टपकाने का इंतजाम आज रात ही हो जाएगा। रात को, अरे वाह केले। हाँ बेटे ले ले। मजा आ गया बाहर। बंदर नकलची स्वभाव का प्राणी होता है। मैं उसे पत्थर मारूंगा तो वो भी मुझे पत्थर मारेगा। अब वो अलग बात है कि उसका निशाना मेरी तरह पक्का नहीं होगा। कमबख्त का निशाना भी पक्का निकला। खैर अब मैं इस मौका में नौका में बैठ जाऊंगा, पीछे पीछे वो भी नौका में सवार होगा। हो गया है। वो नौका मेरी नौका से रस्सी की मदद से बंधी है। अब हनु वाली नौका भी मेरी नौका के साथ खींचती हुई चली आएगी। अब हनु फंस चुका है क्योंकि उसकी नौका में छिद्र है जिससे उसकी नौका में पानी भरने लगा है। अब हनु की नौका को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। अब मैं करता हूँ अपनी आंखें बंद क्योंकि ये नदी खूंखार मगरमच्छों से भरी पड़ी है। उसको देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो तो अब होगी। एड़ा समझाएगा मेरे को? ये तो बच गया। ना सिर्फ बच गया बल्कि हमारी पीठ को सेतु समझ कर पार भी कर गया। सचमुच का रोना मगरमच्छ के आंसू नहीं। अबे तुम हमारे वंशज हो, हम तुम्हारे नहीं। अकल हमसे तुम में आई है, तुमसे हम में नहीं। अबे बंदर की तुम, तेरी ये मजा? अब तू मरेगा कमकत। मुझे देना। खबरदार जो मेरे अलावा किसी और को दिया तो। छपाक। महल में, अरे ये क्या हो रहा है? होना क्या था पता नहीं, आधी रात को इनको क्या सनक सूझी, पहुंच गए तरणताल में तैराकी के जौहर दिखाने को। और फिर बस बस बाकी चीजें देखकर ही समझ आ रही हैं। मैं तो दुखी हो गई इनसे। रोज रोज कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है। बस एक रात की बात और है महारानी जी, उसके बाद ये टंटा ही खत्म। क्या मतलब? मेरा मतलब है, सपने में भोले शंकर ने बताया था कि महाराज के ऊपर राहु की टेढ़ी नजर है जिसके कारण ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाय रब्बा, परंतु चिंता की कोई बात नहीं, आज रात के बाद सब ठीक हो जाएगा जब मेरा आखिरी शिकार मेरे फंदे में फंसेगा। पशुपालक, इस पशु महल की सारी जिम्मेदारी तुमको सौंपी गई है ना? जी बाकेलाल जी, मुझे पता चला है कि पशु महल से महाराज के प्रिय पशु एक एक करके गायब हो रहे हैं। तुमने इसकी सूचना महाराज को क्यों नहीं दी? वो बाकेलाल जी, मैं महाराज को सूचित करने गया था पर महाराज कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं, इसलिए तुमने किसी को भी सूचित करना उचित नहीं समझा। जब महाराज को तुम्हारी इस लापरवाही का पता चलेगा तो क्या होगा? माफ कर दीजिए बाकेलाल जी, मुझे बचा लीजिए वरना महाराज मेरी खाल खिंचवा लेंगे। ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारी व्यवस्था पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं बल्लू बैल को अपने साथ किसी गुप्त स्थान पर ले जा रहा हूँ ताकि कोई इसकी चोरी ना कर सके। तब तक तुम गायब हुए पशुओं का पता लगवाओ। और हाँ, ये बात किसी से मत कहना, हो सकता है उनमें से कोई पशु चोर हो जो बल्लू बैल को भी गायब करने का प्रयास करे। और फिर कितना आसान था बल्लू बैल को पशु महल से निकालना और यहाँ लाना। अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, इस बैल को दिखाना एक लाल कपड़ा। कपड़ा देखते ही बैल भड़क जाएगा और मुझे जोर की टक्कर चढ़ने के लिए मेरे पास आएगा, और मैं आखिरी समय में उसके सामने से हट जाऊंगा और बैल मेरे पीछे रखी विशाल चट्टान से टकराएगा और हाय, इसने तो चट्टान की जगह मुझे ही जड़ दिया। ओए खोते दी दुम, मैं बैल हूँ, बैल बुद्धि नहीं। कम्बकर ने शरीर के सारे जोड़ ढीले कर दिए। अभी तो ढीले हुए बेटा, आगे देख सारे जोड़ बिखर जाएंगे। अभी ये तो फिर मेरी तरफ बढ़ रहा है।
अरे बाप रे, मैदान के 36 चक्कर लगाने के बाद अब तो सांस भी फूल रही है, जीप भी कुत्ते की तरह बाहर आ रही है, पसीना भी बाल्टी भर के आ चुका है। अब तो छोड़ दे मेरे बाप, एक कपड़ा ही तो दिखाया, कौन सा तेरा गोबर चुराया। हाँ धड़ाम, उफ नहीं, अब तो तू गया बेटा बाके। हाय मैं तो बच गया, पर बल्लू मर गया। यानी यानी वो मारा पापड़ वाले को, बल्लू खुद ही उस चट्टान के नीचे दब गया। यानी मोटा भी अब तक स्वर्ग सिधार चुका होगा। जल्दी से महल चलूं, मोटे की लाश को मैं खुद कंधा दूंगा। ही ही ही। महल में बाकी तुम आ गए, गजब हो गया महाराज। अपने आप को संभालिए महाराज जी। महारानी जी, जानता हूं हम सब पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, पर दुख की इस घड़ी में हमें खुद पर नियंत्रण रखना होगा। मुसीबतों का पहाड़, दुख की घड़ी, ये तुम क्या कह रहे हो बाकीलाल? मैं तो ये कह रही थी कि महाराज के ऊपर छत गिर गई है, जिसके कारण वो बावले हो गए हैं और केवल तुम्हारा ही नाम बड़बड़ा रहे हैं। मेरा बाकी आएगा, धरती का सीना चीर के आएगा, आसमान का सीना फाड़ कर आएगा। हाय, मोटा तो जीवित है, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? दर्शन दो ओ बाके, मोरी अखियां प्यासी रे। वैसे तो मैंने इनके माथे पर संगकारा लेप लगा दिया है, परंतु मुझे लगता है कि इनको औषधि की नहीं प्रार्थना की जरूरत है, इनको प्रार्थना की नहीं चिता की जरूरत है। क्या बकते हो बाकेलाल? वो तो मुझे शिव जी ने सपने में आकर बताया था कि महाराज की सारी समस्या चिता की आग में ही खत्म हो गई। उफ, ये चमड़े की जुबान बार बार फिसल क्यों जाती है? जल्दी ही छोड़ो मुझे, मुझे अपने बाके के पास जाना है। बाके, तुमने पक्का सपना ऐसे ही देखा था? शत प्रतिशत महारानी जी। और फिर चिता को अग्नि देते ही आ भर आ, अरे ये क्या निकला महाराज के मुंह से? ये क्या हो रहा है? हमें जीवित चिता में जलाने का साहस किसने किया? इसने? ये सब क्या है बाकू? वही तो साला, समझ में नहीं आता कि ये हर बार अंत पर आकर डंडा कौन कर जाता है। ये मैं आपको बताता हूं महाराज, ये मृत्यु शक्ति थी, ई का बला है, ये काले जादू की शक्ति है। इसको जिसके नाम से सिद्ध किया जाता है, वो उस पर 5 बार प्राणघातक हमले करती है। कोई भी इंसान इससे बच नहीं सकता, इसे केवल एक ही शक्ति नष्ट कर सकती है, जीवित प्राणी पर चिता की आग। परंतु अगर ये हम पर प्राणघातक हमले कर रही थी, तो आखिर हम बचे कैसे? मेरा सवाल भी यही है, आखिर मोटा बचा कैसे? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मृत्यु के वार से बचने का एक ही रास्ता होता है, जब उसके ऊपर आई बलाओं को उनका कोई प्रिय पालतू अपने ऊपर झेल ले। इसका अर्थ है कि हमारे ऊपर किए गए, हमारे ऊपर आए संकट को हमारे किसी पालतू ने अपने ऊपर लिया है। सही समझे मोटे कद्दू? धायमा आप? हाँ मैं नासपीटे, मैंने ही काले जादू के शहंशाह बोकरा की आराधना पर तुझ पर मृत्यु शक्ति छोड़ी थी, ताकि तुझे रास्ते से हटा सकूं। पर इस कंबखत के मारे बाकी ने उसी समय उन पशुओं की बलि लेकर तुझ पर आया संकट टाल दिया। क्या, बाकी ने हमारे पारों पांचों पशुओं की बलि ले ली? वो मैं हाँ मोटे कद्दू, असल में वो पशु तेरे संरक्षक थे, उनकी वजह से ही तू हर बार कई प्राणघातक हमलों से बचा है। लेकिन अब वो कवच हट चुका है, अब तू नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने अपने अंदर काले जादू की शहंशाह बोकरा को धारण किया है। उसकी शक्ति से मैं तेरा अंत कर डालूंगी। आज मेरा बदला पूरा होगा। ऐसा नहीं होगा दुष्टा, तेरा अंत निकट है। आ राजा विक्रम से हमारी धरती पर आने का प्रयोजन दिव्य शक्ति हासिल कर दुष्ट बोकरा का अंत करना ही था। अगर उससे पहले यह दुष्ट हमारी बलि ले लेता, तो यह अमर हो जाते। परंतु बांकेलाल के कारण हम उस स्थान पर पहुंच गए जहां हमें दिव्य शक्तियां मिलनी थी। अपनी जान संकट में देख बोकरा धायमा के शरीर से निकलकर भाग खड़ा हुआ। मुझे नहीं पकड़ पाओगे। आज तू बचकर नहीं भाग पाएगा, पहले मेरी काली शक्तियों से तो बचकर दिखाओ। तेरी कोई शक्ति आज काम नहीं आने वाली है, ये काली चट्टान तुझे पीस कर रख देगी, ये हनु के एक ही मुष्टि प्रहार से टूट जाएगी। गज्जू का विशेष हाथी दांत तेरी सारी काली शक्तियों को कीलित कर देगा, अब तू और कोई प्रहार नहीं कर पाएगा। नहीं, बल्लू बैल का सींग तेरा अस्तित्व समाप्त कर देगा। नहीं, राजा विक्रम सिंह हमारी धरती पर आने का उद्देश्य समाप्त हो गया, अब हम चलते हैं। और बांकेलाल हमें क्षमा करना, हम तुम्हारा उद्देश्य समझे नहीं और अकारण तुम्हारी ऐसी तैसी करी। कोई नहीं, मेरे साथ तो ऐसा चलता रहता है। सारी समस्या तो सुलझ गई, सुलझ गई मेरा मतलब है, सारी समस्या तो उलझ गई, मेरा मतलब है सुलझ गई महाराज, परंतु
अब आपकी दहाई माँ का क्या किया जाए? उन्होंने आप पर काले जादू का इस्तेमाल करके आपके प्राण लेने की कोशिश की है। ओए ओ दहाई माँ के बारे में तो हम भूल ही गए थे। अरे बिक्कू तुम, मैं यहाँ कैसे आई? दहाई माँ ऐसे दीदे फाड़ के क्या देख रहा है, बताना मैं यहाँ कैसे पहुंच गई। मैं तो अपने गांव में थी। ओ लगता है बोकरा ने दहाई माँ के शरीर पर कब्जा कर लिया था, तभी उनको कुछ याद नहीं है। शायद तुम ठीक कहती हो महारानी। इसे कहते हैं जबरदस्त अभिनय। अब किसी को मुझ पर शक नहीं होगा और मैं यही महल में रहकर विक्रम का बाजा बजाऊंगी। महाराज महाराज, क्या बात है सेनापति, अब तुम्हें कौन सी खुजली शुरू हो गई? महाराज आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करते थे, इस बार मैं पक्के सबूत लाया हूँ। ये बांकेलाल अव्वल दर्जे का धूर्त चारबाज और मक्के मक्कार है। इसी ने आपके पालतू पशुओं का अपहरण किया था और उनकी हत्या का प्रयास किया, क्योंकि इसे पता चल गया था कि आपकी जान आपके पालतू पशुओं में है। शाबाश सेनापति, तुमने इस बार अच्छा काम किया है। जरा पीछे मुड़ना, हम तुम्हें इसका इनाम देंगे। हे, इसकी क्या जरूरत है महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। जरूरत है सेनापति, क्योंकि बिना तुम्हारा तबला बजाए तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि बांके जो करता है हमारे भले के लिए करता है। उसे पता था कि हमारी जान उन पशुओं में नहीं, बल्कि उन पशुओं की जान हमारे अंदर है, तभी तो वो पशु जीवित रहे। हाँ धड़ास, समाप्त। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाके लाल की किसी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।